प्रेन और घी वाला तो मैं बताऊंगा, लेकिन एक और इंसिडेंट बताता हूँ कि ये चमत्कारों की श्रृंखला कहाँ से शुरू होती है। महाराज जी की उम्र ऐसी 6-7 साल रही होगी, तो एक दिन वो ऐसी बोल पड़े घर में कि आज डकैती पड़ने वाली है, सामान को शिफ्ट कर दो, छुपा दो। घर वालों ने सीरियसली नहीं लिया, उन्होंने कहा 6-7 साल का बच्चा है, क्या मजाक कर रहा है। फिर भी उन्होंने क्या करा, जो सोना वगैरह था वो दूसरे घर में पहुँचा दिया, और उसी रात डकैती पड़ी उनके खुद के घर में, और उनके पिताजी लोग को अच्छी कुटाई करी क्योंकि पैसे थे नहीं। तो यहाँ से चमत्कारों का सिलसिला शुरू हो गया था। नींब करारी बाबा जी दिल में है सबके। अब थोड़ा सा यहाँ पे मनीष हम बात करेंगे नीम करोड़ी बाबा के बारे में। जी। उनको भी जैसे आप हनुमान दास कह रहे हैं, तो उनको भी जो है हनुमान का अवतार माना जाता जी, है जी, तो जी, उस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहोगे? जी बिल्कुल। तो पहले तो मैं इस प्रश्न से पहले हल्का सरसरे तौर पे नीम करोड़ी बाबा की जर्नी भी मैं शेयर कर देता हूँ। तो जो साक्ष्य मौजूद हैं या जो उनके गांव के लोग बताते हैं, उसके अनुसार सन 1900 में फिरोजाबाद आगरा के पास एक ज़िला है, वहां पर महाराज जी का जन्म हुआ। पिताजी का नाम था दुर्गादास शर्मा, माताजी का नाम था कौशल्या देवी शर्मा। 1908 में 8 वर्ष की जब आयु हुई तो माताजी का निधन हो गया। पिताजी भी उनके दबाव पड़ा कि इतना छोटा बच्चा है कैसे पालोगे पोसोगे, तो उनका दूसरा विवाह हुआ। और जैसे दूसरा विवाह हुआ तो कहीं ना कहीं माताजी बहुत अच्छी थी दूसरी भी, लेकिन इनको एक विरक्ति सी हो गई कि यार पिताजी की विवाह हो गया, तो वहाँ से उनका वैराग्य स्टार्ट हो गया। 1911 में इनका विवाह राम बेटी से करवा दिया गया, मन नहीं था लेकिन अब बाल विवाह की प्रथा थी। 1913 में इन्होंने फाइनली घर छोड़ दिया। अच्छा। और ये चले गए राजकोट गुजरात में, वहाँ कुछ टाइम एक आश्रम में इन्होंने साधना करी, बहुत अच्छा रहा। फिर वहाँ से छोड़ के भी ये बवनिया चले गए। बवनिया में इन्होंने तालाब के अंदर तपस्या करा करते, तो इनका नाम पड़ गया तलैया बाबा। माता पिता ने इनका नाम रखा था लक्ष्मी नारायण शर्मा। राजकोट में इनका नाम पड़ गया था बाबा लक्ष्मण दास। अच्छा। और जैसी वहाँ बवनिया पहुंचे वहाँ तलैया बाबा पड़ गया। वहाँ 1917 से तपस्या करी, 1917 में वहाँ से छोड़कर भी ये वापस नीब करौरी नामक एक जगह पे आ गए। वहीं पर इनका एक इंसिडेंट हुआ था ट्रेन रोकने वाला, तो जो ट्रेन रुक गई थी जो विश्व प्रसिद्ध घटना है। तो ट्रेन रोकने वाली वहाँ पर घटना हो गई, उसके बाद उस घटना के बाद इतना नाम हो गया कि उनके पिताजी उनकी खोज में वहाँ पहुँच गए। उनको लगा कोई बाबा आए हुए हैं कि आप तो मेरे बेटे के बारे में बता दें। पहुँचे तो उनका बेटा ही वहाँ बैठा हुआ था, तो वो वापस अपने घर ले आए। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं वापस तो आ रहा हूँ, लेकिन पिताजी मुझे समाज सेवा से धार्मिक कार्यों से मत रोकना। उन्होंने कहा ठीक है। तो उसके बाद फिर बाबा ने अपने घर की जिम्मेदारी भी संभाली और जो धार्मिक तपस्या वगैरह वो भी करी। इस दौरान उनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटा 1 बेटी। और जब बेटी की शादी हो गई 1945 में, उसके बाद वो पूरी तरह से फिर देश भ्रमण पे निकले। और इस तरह करते करते 1962 में बाबा पहुँचे अपना 42 पे एक बार आए थे, 42 के बाद फिर 62 पहुँचे कैंची धाम। 64 में कैंची धाम की स्थापना हुई। 73 में 11 सितंबर को वृंदावन जाके बाबा ने अपना शरीर छोड़ दिया। तो ये तो स्टोरी रही बाबा की सरसरी तौर पर यात्रा की। हनुमान जी के अवतार पर मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि अभी मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं कोई कमेंट कर पाऊँ कि हनुमान अवतार थे नहीं थे, लेकिन इतना ज़रूर है कि महाराज जी ने कैंची धाम को चुना ही इसलिए था, कैंची जगह को चुना इसलिए था क्योंकि पहाड़ों में तब तक शिव जी की बहुत आराधना होती थी, लेकिन उतने हनुमान जी के मंदिर नहीं थे। लेकिन अगर आप अब पड़ाव देखेंगे तो महाराज जी ने जैसे भूमियाधार में आश्रम बनाया हनुमान जी का, फिर उन्होंने काकड़ी घाट में बनाया, हनुमानगढ़ी में बनाया, कैंची धाम में बनाया, उसके बाद नकुचिया ताल में बना हुआ है। तो एक श्रृंखला सी जो हनुमान जी की बनी हुई है, नीब करौरी में उन्होंने हनुमान जी का बनाया, पूरे दुनिया में कहते हैं 108 महाराज जी के जो आश्रम है वो सब जगह हनुमान जी की मूर्ति है। तो हनुमान जी की ही तपस्या महाराज जी करते थे, उन्होंने जो तलैया बाबा के तौर प्रचलित हुए तो वहाँ भी उन्होंने हनुमान जी की तपस्या करी। नीब करौरी में भी वो 10-15 साल रहे थे, वहाँ भी उन्होंने हनुमान जी की तपस्या करी। तो होता क्या है, जब धीरे धीरे भक्त भगवान की भक्ति में लीन होता है तो वो उसका स्वरूप खुद ब खुद भगवत स्वरूप बन जाता है वो। ठीक है। तो उसी तरह से महाराज जी ने इतनी हनुमान जी की तपस्या करी कि उनके अंदर सिद्धियाँ आ गईं और कहीं ना कहीं वो गुण आ गए हनुमान जी वाले। तो प्रेम से महाराज जी के भक्त ऐसा कहते हैं कि बाबा हनुमान जी का अवतार थे। अब मैं क्योंकि उस स्थिति में नहीं हूँ, उतना बड़ा सिद्ध नहीं हूँ, तो मैं एकदम से ये कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मतलब आप कह सकते हैं कि महाराज जी हनुमान जी के बहुत परम भक्त हैं, उनमें सिद्धियाँ हनुमान जी के जो गुण थे वो आ गए थे। ठीक है। तो मनीष आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताओगे कि आप हनुमान दास जो है वो नाम आपने क्यों अपना जो है रखा है? जी सर, तो हल्द्वानी में मेरा सर जन्म हुआ। नॉर्मल यहीं 12th तक मैंने पढ़ाई करी। 10th 12th में मेरी मतलब CBSE में अपने स्कूल को मैं टॉपर रहा। ये वो दौर था 2011 के कि जब सभी लोग एक भीड़ चाल में इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो बचपन से मुझे शौक तो लेखन का और गायन का था, लेकिन अब घर का बड़ा लड़का होने के चक्कर में एक जिम्मेदारी का भाव था। और उस टाइम तक बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसा लगता था कि लेखन गायन के थ्रू आप आजीविका नहीं चला सकते।
तो पढ़ने में अच्छा था सर, मैं बीटेक करने चले गया, बीटेक की पढ़ाई भी 70% से हुई। वहाँ से वापस लौट के मैंने अपने घर वालों से कहा कि अगर मैं इंजीनियर बनूंगा, ये 3 डेट का डायलॉग था कि अब्बा मैं खराब इंजीनियर बनूंगा, तो मैंने अपने घर वालों से यही कहा कि मैंने कहा अगर मैं इंजीनियर बनूंगा तो मैं पैसे तो कमा लूँगा लेकिन खुशियाँ नहीं रहेंगी मेरे जीवन में, और अपने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से मैं नहीं जी पाऊँगा, हमेशा रिग्रेट रहेगा यार कि मैं किसी और की लाइफ किसी और की एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए जी रहा हूँ। तो खैर मैंने वहाँ से एक 2016 में जब बीटेक खत्म हुआ मैंने एक सफ़र शुरू करा, मैंने कहा कि मुझे बॉलीवुड में लिरिसिस्ट बनना है, और लिरिसिस्ट बनने के लिए छोटे छोटे मैंने पड़ाव रखे कि जितने भी अखबार हैं, रेडियो है, न्यूज़ चैनल्स हैं, जहाँ जहाँ मैं कंटेंट अपना लिख के भेज सकता हूँ, छप सकता है, वो मैंने चीज़ें शुरू करी। उसी दौरान हर लेखक की आप अगर ज़िंदगी उठा के देखें, कलाकार की उठाते, सबके जीवन में दुख होता है, और 90% लोगों के दिल टूटने के कारण वो दुख पैदा होता है। तो मेरे भी दिल टूटे उस दौरान कई बार, तो जब दिल टूटे तो कहीं ना कहीं वो पीड़ा कहीं तो व्यक्त होनी थी, तो वो व्यक्त हुई शायरी में। अब यहाँ मैं एक चीज़ और सर कहना चाहूँगा कि जो आशिक नाम था, तो जो आर्ट है उसका जन्म ही तब होता है जब आप अनसेटिस्फाइड हैं एग्जिस्टेंस के साथ। अगर मान लीजिए सब कुछ परफेक्ट हो तो आप गीत क्यों लिखेंगे, कुछ कमी है, जो चीज़ें मौजूद हैं तभी आप कुछ नया सृजन करके, बस क्रिएशन तभी आएगी। तो मैंने कहा कि ये मनीष पांडे नाम ना ये जस्टिफाई नहीं कर रहा मेरे करेक्टर को, एक शायर को, मैंने कहा आशिक सही रहेगा, तो मैंने अपना नाम आशिक रख दिया। कई कवि सम्मेलन रहे, बहुत सारी चीज़ें रहीं, लेकिन अब इसे हमारे समाज की विडंबना कहिए, दुर्भाग्य कहिए, कि जब एक इंसान अच्छा इंसान होता है और वो प्रोसेस में लगा होता है सक्सेस की, तब उसका कोई साथ नहीं देता, सब उसका मजाक उड़ाते हैं, और जिस दिन वो कोई नौकरी हासिल कर ले, कोई बड़ा ब्रांड में चले जाए, तो सब कहते हैं हाँ हमने तो कहा ही था तो कामयाब बनेगा। एक मोहर बहुत ज़रूरी होती है। तो जब मेरी आउटलुक में जॉब लगी, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे किस तरह से क्या रहा, जब मेरी आउटलुक में जॉब लगी तो जो लोग मुझे पहचानने से इनकार कर देते थे, मेरे फ़ोन नहीं उठाते थे, वो सब अचानक मेरे इर्द गिर्द आ गए, सब मेरे हितैषी बन गए। तो मुझे ऐसा लगा, महाराज जी की कृपा से ऐसा लगा कि जो चीज़ें समय के साथ बदल जा रही हैं वो सत्य नहीं हो सकती, वो असत्य है। तो मुझे समझ में आ गया कि ये प्यार मोहब्बत ये जो सब चीज़ें हैं असलियत में या तो आपके माँ बाप या ईश्वर या गुरु ही आपसे प्रेम देते हैं, बाकी सगे संबंधी प्रेमिका बच्चे आपके इर्द गिर्द के दोस्त ये ठीक है, जब तक आप उनके काम के होंगे तब तक वो आपको पूछेंगे, फिर कोई नहीं पूछता। तो मैंने कहा यार यानी आशिक भी मेरा सत्य नहीं है, सत्य मेरे बाबा हैं, हनुमान जी हैं। तो वहाँ से फिर मैंने, जब मेरे को ऐसा लगा कि दुनिया में आसपास सब चीज़ें असत्य हैं और सत्य सिर्फ ईश्वर है, और मेरा जो अब चरित्र है वो कहीं ना कहीं भक्ति में ज़्यादा डूब रहा है, तो फिर मैंने अपना नाम हनुमान दास रख लिया। तो ये सरसरे तौर पे आशिक से हनुमान दास बनने की इस तरह की यात्रा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब तो देखो जैसा आप यहीं पे कह रहे हो ना, जो हम जैसे आम जनता है या जो भक्त लोग हैं, जैसे आप अभी चमत्कार की बात कर रहे थे, आपने ट्रेन वाला चमत्कार बताया, या जो मैंने सुना हुआ ये सुना हुआ है कि एक बार जब प्रसाद बना था तो वहीं से पानी निकाल के उसको तेल बना दिया था, उस बारे में भी थोड़ा सा बताओगे, तो तब लोगों को लगता है कि हाँ इनके पास कुछ चमत्कारी शक्तियां हैं, तो यहीं से फिर उनको जो है हनुमान का जो अवतार बताया। जी जी जी, तो थोड़ा सा उस बारे में बताना चाहोगे, ट्रेन वाला बिल्कुल। मैं आपको पहले ऐसा इंसिडेंट बताऊंगा जो हमारे दर्शकों ने सुना नहीं होगा, ट्रेन और घी वाला तो मैं बताऊंगा, लेकिन एक और इंसिडेंट बताता हूँ कि ये चमत्कारों की श्रृंखला कहाँ से शुरू होती है। महाराज जी की उम्र ऐसी 6-7 साल रही होगी, तो एक दिन वो ऐसी बोल पड़े घर में कि आज डकैती पड़ने वाली है, सामान को शिफ्ट कर दो, छुपा दो। घर वालों ने सीरियसली नहीं लिया, उन्होंने कहा 6-7 साल का बच्चा है, क्या मजाक कर रहा है। फिर भी उन्होंने क्या करा, जो सोना वगैरह था वो दूसरे घर में पहुंचा दिया, और उसी रात डकैती पड़ी उनके खुद के घर में, और उनके पिताजी लोग को अच्छी कुटाई करी क्योंकि पैसे थे नहीं। तो यहाँ से चमत्कारों का सिलसिला शुरू हो गया था। उसके बाद जब वो तलैया बाबा के तौर पर प्रचलित हो रहे थे, तो कोई उनसे राह चलते कहता महाराज जलेबी चाहिए, तो वो हवा से जलेबी ऐसे उछाल देते। अच्छा, तो इस तरह से उनकी चीज़ें प्रचलित होने लग गई थी। और बेसिक कारण भी ये था कि महाराज जी जहाँ भी जाते थे वहाँ चमत्कार हो जाते, और भीड़ आने लगती, उन्हें भीड़ से नापसंदी थी, तो इसलिए वो ये बदलते रहे जगह, कभी राजकोट से भवनिया, भवनिया से नीब करौरी, नीब करौरी से कैंची। अब मैं बताता हूँ ट्रेन वाली इंसिडेंट। तो ट्रेन वाला इंसिडेंट भी जो वहाँ कर गाँव के लोग हैं फिरोजाबाद के, नीब करौरी के, उन्होंने जो बताया है उसके अनुसार कहानी कुछ इस तरह की है कि महाराज जी जब भवनिया से वापस आ गए थे तो वो गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, और प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं कि उनके पास टिकट था और वो फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे। लेकिन हमारे समाज की एक अवधारणा है कि आपने अगर जीन्स और टी शर्ट पहनी तो आप बड़े आदमी हैं, और किसी ने धोती कुर्ता पहना तो वो गरीब है। तो एंग्लो इंडियन टीटी था, तो उसने सोचा कि यार ये तो धोती वोती वाला लग रहा है, इसके पास कहाँ टिकट होगा, ये ऐसे ही बैठा होगा फर्स्ट क्लास में, तो उन्होंने उतरने को कह दिया। महाराज जी भी उतर गए और एक पेड़ के पास जाके बैठ गए नीब करौरी में ही,
और उन्होंने कहा ले जा ले अपनी गाड़ी। अब वो आधे घंटे लगा लगा गाड़ी ना चले, तो फिर जितने लोग गाड़ी में थे उन्होंने कहा कि यार संत हैं और तुमने संत का दिल दुखा दिया, थोड़ा सा इनको जाना था, जाने देते, अब देखो गाड़ी चल नहीं पा रही है, अब जाके माफ़ी मांगो। वो माफ़ी मांगने आया। अब संतों का दिल तो ऐसा होता है कि वो कोई गरज नहीं रखते, कोई बैर नहीं रखते, तो कुछ लोग कहते हैं कि वो बैठ गए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बैठे, लेकिन हम अगर इस बात को माने तो उन्होंने कहा था कि चल, ठीक है चल, और गाड़ी चल पड़ी। और वहाँ से फिर पूरी दुनिया भर में खबर फैल गई कि कोई ऐसे संत हैं जिनके कहने से गाड़ी चलती है और उतरने से रुक जाती है। और इस चक्कर में फिर वो नीम करौली भी उन्होंने छोड़ दिया था, फिर वो देश भ्रमण पर निकल गए थे क्योंकि सब लोग दौड़ दौड़ के वहीं पहुँचने लग गए थे। दूसरी घटना बड़ी प्यारी है, मतलब इसका तो हर जगह जिक्र होता है हमारे कुमाऊँ क्षेत्र में खासतौर पर, कि कैंची धाम का 15 जून को स्थापना दिवस होता है, तो वहाँ भंडारा चल रहा था, तो महाराज जी ने कहा कि क्या स्थिति है। उनने कहा महाराज दोपहर तक का तो प्रसाद बन गया है लेकिन घी खत्म हो गया है और अभी आधा दिन बचा है, अभी कैसे बनेगा। उनने कहा ठीक है काम करो, 2 कनस्तर ले जाओ और पानी भर के ले आओ माँ शिप्रा से। वो कनस्तर ने पानी भर के लाए, ऊपर ला के खोल के देखा तो घी था। उन्होंने कहा अब एक काम करना, जब घी आएगा तो उसको वापस करना। इसी तरह का एक किस्सा कुंभ मेले से जुड़ा हुआ है कि चाय के लिए दूध खत्म हो गया था, तो उन्होंने कहा कि जाओ प्रयाग में अपना गंगा जी के वहाँ से ले आओ लेकिन वापस लौटा देना, तो वो पानी भर के लाया था, वो दूध बन गया। तो जितने भी ये हमारे भारत के पुराने योगी परंपरा रही है, इनके पास ये सिद्धियाँ रहती हैं कि ये देखिए कहीं ना कहीं आपका मेरा शरीर या कोई भी समान पंचभूत से बना हुआ है, तो वो उन्हीं प्रकृति में से उनको ले लेते हैं और लौटा देते हैं। अब हम लोग अभी क्योंकि उस स्थिति में हम नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए बहुत सामान्य बातें हैं। तो इस तरह से ये जो घी वाला और अपना दूध वाला चाहे ट्रेन वाला इंसिडेंट इस तरह, और इसी के बाद से फिर लोगों ने चमत्कारों पे ही ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर, जबकि बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं हनुमान हूँ या मेरी पूजा करो या मैं चमत्कारिक हूँ। लेकिन अब लोगों का क्या होता है, आकर्षण चमत्कार में ज़्यादा, वो मेन मैसेज नहीं सुनते हैं कि क्या कहा क्या नहीं कहा, वो चमत्कारों के पीछे ज़्यादा भागते हैं, तो चमत्कारों को बाबा बहुत पसंद नहीं करते थे। ठीक है, ये तो चलो जो है जनरल बातें होगी। अब हम आपके जीवन में जो है चमत्कारों की बात करते हैं, जैसा मैंने आपको पहले फॉलो किया है या आप अपनी जो स्टोरी बताते हो कि आपके जो थॉट्स थे एक बार सुसाइडल थॉट्स तक आप पहुंच चुके हो, तो वहां से लेके अब के जीवन में जो बाबा ने चमत्कार किया है वो किस तरीके से किया, वो थोड़ा बताना। तो देखिए महाराज जी कृपा से और संतों के प्रताप से मैंने एक चीज महसूस करी है कि जितने भी बड़े लोग हुए उनके जीवन को कष्टों ने ही महानता के मार्ग पे पहुंचाया है। आप राम जी का जीवन देख लीजिए, सीता माँ का जीवन देख लीजिए, गांधी जी का जीवन देख लीजिए, किसी का जीवन देख लीजिए, जिसके जीवन में कष्ट दुख पीड़ा संताप हुआ वही महान बना, और उसी समय ही प्रभु से निकटता भी होती है, जब पीड़ा होती तभी इंसान याद करता भगवान को। तो मेरे जीवन में जब ऐसा हुआ कि हर तरफ से निराशा थी, कुछ पारिवारिक कलेश थे, नौकरी नहीं लग रही थी, प्रेम संबंधों में भी स्थिति ऐसी थी, मतलब बीमारी तो नहीं कहूँगा लेकिन वजन ज़्यादा होने के चक्कर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, थायराइड हो गया था, तो बहुत नकारात्मकता थी और काम धंधा कुछ नहीं मिल पा रहा था क्योंकि हल्द्वानी में उतना माहौल था नहीं राइटर के लिए, तो मतलब सुसाइडल थॉट आने लग गए थे और मुझे लगा था कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो एक शाहरुख खान ने कहीं पर यह बोला है कि ये भगवान इतनी मज़ेदार घटनाएँ आपके जीवन में घटाते कि जिस वक्त बस आप हिम्मत छोड़ने वाले होते हो वहीं वो आपका नसीब बदल देता है। तो बस मैंने जब सोच लिया था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, अब कुछ नहीं रह गया, तभी ऐसा चमत्कार हुआ कि मुझे खुद से सामने से बाबा की कृपा से कुछ परेशानियां चल रही थी घर की पूजा पाठ से जुड़ी हुई, तो उसके लिए एक व्यक्ति मिलता जिसने बताया कि ये चीज़ शायद हो सकती है, आप पूजा पाठ करा लें। खैर वो पूजा पाठ कराया तो अचानक से बहुत सारी चीज़ें जो घर की थी तबीयत से रिलेटेड थी वो चीज़ें ठीक होने लग गई। दूसरा मैं लगातार निरंतर सोशल मीडिया पे लिखता रहता था जिसके माध्यम से बड़े बड़े लोग मुझे जानते थे, सेलिब्रिटीज, सिनेमा के, खेल के, स्पोर्ट्स के, टीचिंग के, सब लोग। तो उन्हीं में से कहीं से मुझे किसी ने कांटेक्ट किया और कहा कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आपको अप्लाई ट्राई करना चाहिए बड़े संस्थानों में। उसी तरह से फिर मेरी आउटलुक जैसी इतनी बड़ी मैगजीन नौकरी लग गई और देश भर के जितने बड़े मतलब सिनेमा प्रेमी उनके इंटरव्यूज़ हो गए। तो देखिए कहाँ तो मैं आत्महत्या करने जा रहा था, और एक महीने के अंदर अंदर जब मैंने हिम्मत छोड़ दी, इसके लिए मैं एक बड़ा मज़ेदार महाभारत का प्रसंग बताऊँगा कि जब तक द्रौपदी ने अपने चीर का यानी साड़ी का हिस्सा पकड़ा रहा कृष्ण जी नहीं आए, क्योंकि उन्हें अपने पर भरोसा था। जब तक जब भरोसा केवल भगवान का रह जाए भगवान तब आते हैं। तो जब मैंने सब करके देख लिया और मैंने कहा हे भगवान अब मैं नहीं हो पाएगा, अब जीवन कठिन है, वहाँ उन्होंने ऐसा चमत्कार किया कि सामने से ऑफर आ गया, आउटलुक में नौकरी लग गई, आज 2-2.5 साल नौकरी को हो गए हैं, प्रमोशन हो गया, इंक्रीमेंट हो गया है और सब बहुत स्मूथली चल रहा है।
ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मुझे कोई मेहनत करनी पड़ रही है उस काम के लिए। तो अब ये भी मेरे लिए एक चमत्कार है कि आत्महत्या करने जा रहा हुआ व्यक्ति आज इतने बड़े बड़े नील नितिन मुकेश से लेके संजय मिश्रा, ब्रजेंद्र काला, अनुराधा पौडवाल, हुमा कुरैसी, जुबिन नौटियाल के इंटरव्यू ले रहा है। तो ये मेरे लिए चमत्कार, वो भी हल्द्वानी बैठ के अपने घर से। मुझे कहीं अप्लाई नहीं करना पड़ा, अपना शहर नहीं छोड़ना पड़ा, मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली। मतलब आउटलुक में या बाकी बड़े संस्थानों में सब IIMC से या जगह जगह से मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स रहे हैं, उनने चार चार पाँच पाँच साल कहीं नौकरी करी है। मैंने जीवन में नौकरी नहीं करी, मैं अनुभव विहीन रहा, जीरो एक्सपीरियंस था मेरे को नौकरी करने में। दूसरी बात, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था और बिना किसी हर्डल के, बिना इंटरव्यू के, सिर्फ मेरे सोशल मीडिया के लेखन के आधार पे इतनी बड़ी जगह मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये चमत्कार रहा मेरे जीवन में। जैसे आप अभी बता रहे थे कि आपने बाबा की कृपा से जो ये है गीत जो है गीत है, तो थोड़ा सा आप गुनगुनाना चाहोगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं सभी महाराज जी के भक्तों के लिए और आपके लिए ये गीत की एक कुछ पंक्तियाँ सुना दूंगा। कैची धाम की शिपरा मैया कहती है सबसे, नीब करारी बाबा जी दिल में है सबके, फूल के जैसी उनकी हंसी है, बच्चों सा शर्माते हैं जो बाबा की शरण में आए, उनके बाबा हो जाते हैं। भूखों की तुम भूख मिटाओ तन मन और धन से, नीब करारी बाबा जी दिल में है सबके। तो मनीष, थोड़ा सा हम यहाँ पे और भी आपसे आगे अब जानना चाहेंगे, जैसे जो आपकी तरह युवा हैं और वो भी अपने जीवन में इस समय संघर्ष में हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? ये सवाल मुझे बहुत बेहतरीन लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो देश का भविष्य वो युवाओं के हाथ में है और युवा आजकल बहुत स्ट्रेस में है। उसका पहला कारण तो ये है कि पुराने समय में डिस्ट्रैक्शन के साधन कम हुआ करते थे, आज इंसान का अधिकतर समय इंस्टाग्राम रील शॉर्ट्स यही सब देखने में निकल जा रहा है। दूसरा, हर दो मिनट में उसको अमेज़न पे दिखता है कि ये शर्ट इतने रुपए में मिल रही है, ये घड़ी इतने रुपए में मिल रही है। तो मतलब मटेरियलिज्म बढ़ गया है। अब इंसान की कमाई 20,000 रुपये है, उसके खर्चे 1,00,000 रुपये, तो स्ट्रेस बढ़ेगा, दूसरे की गाड़ी ऐसी आ गई, हीन भावना बढ़ेगी। तो युवाओं को पहला संदेश तो ये है कि सबसे पहले अपने अंदर का हुनर पहचानने में समय लगाइए। आप अपने जीवन के 1 साल 2 साल तो इसमें लगाइए कि मैं सबसे अच्छा किस काम में हूँ। जैसे मैंने इंजीनियरिंग करी, मैं लेखन भी करता हूँ, गायन भी करता हूँ, मेरे को बोलने का, एंकरिंग का भी शौक है, लेकिन मुझे पता मेरा सबसे ज़्यादा जो दिल के करीब है वो लेखन है, और लेखन भी भक्ति मार्ग से जुड़ा हुआ लेखन, भक्ति और मोटिवेशन जुड़ा हुआ लेखन। तो मैंने इस सब को पहचानने में अपने जीवन के 1-2 साल लगाए। तो पहले पहचाने कि आपके अंदर स्पेशल चीज़ क्या है। देखिए, 50,000 इंजीनियर मान लो अगर साल में बन रहा है और आप भी 50,000 में शामिल हैं, तो आप पैसा कमा लें, एक दिन मर जाएंगे, बहुत बड़ा इम्पैक्ट समाज में नहीं छोड़ेंगे। तो पहला प्रयास तो ये हो कि अपनी स्पेशल चीज़ पहचानें, दूसरी चीज़ फिर उस स्पेशल चीज़ पर कमांड हासिल करें। जैसे आपका जो वेदाश्री अकेडमी है, अब कई बार इंसान क्या सोचता है ना, अरे यार मैं 1,000 रुपया कोर्स करने से अच्छा खुद ही कर लूँगा। देखिए, जो एक्सपर्ट बता, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलेगा। तो अब जितने भी महान लोग बने, उन सचिन से लेके विराट ने, सबने ट्रेनिंग ली है, सबने सीखा है कि कैसे क्या करना है। तो पहले तो अपना हुनर पहचानिए, फिर वो हुनर को कौन तराश कर आपको हीरा बना सकता है उसकी शरण में जाइए, उसमें पैसा खर्च करिए, समय खर्च करिए, वहाँ पर आपको कंजूसी नहीं करनी कि मैं खुद कर लेता हूँ। और एक बार आपके पास आपका पोटेंशियल आइडेंटिफाई हो गया, आपने अपने हुनर को, इसको, स्किल को तराश लिया, उसके बाद फिर जीत आपकी है। क्योंकि दुनिया भर की कंपनी हो चाहे कुछ भी हो, वहाँ वैकेंसी हमेशा है, सिर्फ आपको काबिल होने की ज़रूरत चाहिए। इंसान काबिल है नहीं, अब जैसे आप सुनते होंगे लोग कहते हैं नौकरियाँ नहीं हैं, बेरोज़गारी है। देखिए, अगर आप काबिल हैं तो आपको कहीं बेरोज़गारी नहीं आपके लिए। लाखों लोग इंजीनियर निकल रहे हैं लेकिन वो ट्रेनिंग उनकी ऐसी है ही नहीं कि वो नौकरी कर पाएँ, तो कैसे कोई कंपनी प्लेसमेंट में उनको ले जाएगी। तो युवाओं के लिए एक ही संदेश है, सबसे पहले अपने दिमाग को, दिल को खुला रखिए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, अपने पोटेंशियल को पहचानिए और फिर उसकी ट्रेनिंग लीजिए। जिस दिन आपके पास स्किल हाथ में आ जाएगी, एक रूल है,
अगर आपने किसी भी काम को सीखने में 10,000 घंटे लगा दिए तो दुनिया में कोई ताकत आपको पीछे नहीं छोड़ सकती। और संघर्ष का दामन जिंदगी भर चलना है, इसलिए संघर्ष से पीछा नहीं छुड़ाना है। जितना संघर्ष आएगा उतना महान बनेंगे। ये तो है बिल्कुल। अब इसी में थोड़ा सा अगर कोई जो भक्त है वो यहाँ पे नीम करोली कैंची धाम में अगर आना चाहे तो उसको कैसे वो यहाँ पे आए? जी ये सवाल भी बहुत आपने अच्छा पूछा। देश भर से लोग ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि हम यहाँ रहते हैं, हम कैसे पहुँचें। तो मैं सबसे इजी मार्ग बता देता हूँ कि जैसे अगर आप भारत के किसी भी हिस्से में हैं तो दिल्ली के बारे में सबको पता है, तो पहले आप अपने जहाँ भी गंतव्य है वहाँ से दिल्ली पहुँचिए। दिल्ली से लगातार ट्रेन है काठगोदाम के लिए, आप ट्रेन से बस से काठगोदाम पहुँचिए। काठगोदाम के बाद हर आधे घंटे में 20 मिनट में बसेस भी हैं जो आपको 100 से 150 रुपये में कैंची धाम 1.5 घंटे में पहुँचा देंगी। इसके अलावा प्राइवेट टैक्सियाँ चलती हैं जो शेयरिंग बेसिस पे 150 से 200 रुपये में आपको कैंची धाम पहुँचा देंगी। तो देश में कहीं से भी पहुँचना है दिल्ली, दिल्ली से काठगोदाम, काठगोदाम से कैंची धाम। और विशेष तौर पे मेरा यही कहना होगा कि जैसे जैसे भीड़ बढ़ी है, नाम बढ़ा है, तो ठगी भी बढ़ी है। तो आपको थोड़ा ये ध्यान देना है कि आपको अनुचित रूप से ना कोई टैक्सी वाला चार्ज करे और ना होटल वाला चार्ज करे, थोड़ा इसका आपको ध्यान देना है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया लगा मनीष आपसे बात करके, आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। तो हम फिर चाहेंगे कि आप अगले पॉडकास्ट में भी हमारे साथ यहाँ पे आएँ, आपको बहुत बताएंगे। जय श्री सीताराम सर।